यहाँ पे हम सेक्शन बना रहे थे और ये चीज़ें कुछ डाउनलोड कर रहे थे, इमेजेस जहाँ से डाउनलोड कर लें आप, फ्री डाउनलोड हो जाती हैं। आप साइज़ सेलेक्ट कर लें, देखिए इसने ऑटोमेटिकली वेब का साइज़ क्या सेलेक्ट किया है, 1920, क्योंकि जो वेब की जो विद होती है ना वो 1920 पे ही होती है। जस्ट यू हैव टू सेलेक्ट दैट यू आर नॉट रोबोट, ये आप सेलेक्ट कर लें। ये तो सबके पास अक्सर आता ही होगा सबके सामने, इसमें कोई वो नहीं है। डाउनलोड करें, इसको हम क्लोज कर देते हैं, याली इमेज हमें नहीं चाहिए। इसी तरीके से जो भी इमेज आपको सर्च करनी है आप इस पर सर्च कर लें। एक और वेबसाइट है, इसका भी नोट डाउन कर लें, pixels.com। यहाँ पर भी आपको फ्री इमेजेस मिलती हैं और ये आप यूज़ कर सकते हैं, रॉयल्टी फ्री इमेजेस हैं ये। स्टॉक एडोब एडोब स्टॉक के ऊपर भी मिलती है, लेकिन वहाँ पर कुछ इमेजेस फ्री मिलती हैं, कुछ इमेजेस आपको परचेज करनी पड़ती हैं। अब यहाँ पे जैसे कि आप लिख लें यहाँ पे विमेन फैशन की, यहाँ से ले लें विमेन फैशन, मैं सर्च कर लेता हूँ, आपके सामने आ जाएगा कि जो भी हमारा रिजल्ट होगा। अब ये देखिए यहाँ पे कुछ अच्छी इमेजेस आ गई, ये इमेज जो है ये अच्छी लग रही है या कि यूज़ हो सकती है, सही है। इस तरीके से ये इमेज भी अच्छी है, ये अच्छी, ये बिल्कुल प्रॉपर एक फैशन के ऊपर है। ये आपने डिसाइड करना है कि आपकी कौन सी इमेज है। ये जो इमेज का ढूंढने का पार्ट होता है ना, ये थोड़ा ट्रिकी होता है, क्योंकि आपने इमेज खाली इसलिए नहीं देखनी होती कि ये अच्छी लग रही है, आपने हर तरीके से देखनी होती है, क्योंकि आपको अभी इमेज जो चाहिए वो हॉरिजॉन्टल शेप में भी चाहिए कि जिसकी वाइड ज़्यादा हो और हाइट थोड़ी कम हो। सो इसके हिसाब में ये बेस्ट आएगी, क्यों आएगी, क्योंकि ये थोड़ी चौड़ी और हाइट इसकी कम है। ये डाउनलोड हो गई तरीके से, ये हम नहीं कर रहे, अब ये दो डाउनलोड हो गई। ये हम इसको चेंज कर देते हैं, कुछ 800 समथिंग मैंने ये ले लिया। एंड सिलेक्शन बनाने के बाद, न्यू लेयर लेने के बाद मैंने इसमें कलर पुट कर दिया, ताकि ये मैं यहाँ पे क्लिपिंग मास्क करा सकूँ इमेज को। ये मेरी इमेज है, मैं यहाँ से ड्रैग करके ले जाऊँ, आप जिस तरीके से लेके जाना चाहें, दोनों तीनों तरीके मैंने आपको बता दिए हैं। आप ड्रैग करके भी ला सकते हैं, नए टैब पे खोल के वहाँ से कॉपी भी कर सकते हैं। इसको आप क्या कर देंगे, क्लिपिंग मास्क, क्लिपिंग मास्क करने से इमेज आपके सामने आ गई, आप इसको आप एडजस्ट कर लें। आप देखिए इमेज हमने ढूंढी तो अच्छी थी, लेकिन ये प्रॉपर फिट नहीं हो रही। क्यों नहीं फिट हो रही, कोई मुझे बता सकता है रीजन, क्यों फिट नहीं हो रही या क्यों फिट नहीं लग रही, कोई भी रीजन, कोई तो रीजन होगा इसका, बताएं। ये अब बहुत ज्यादा करीब हो गई, ये इमेज उस हिसाब से अच्छी नहीं थी जिस हिसाब से हम इसको सोचे। तो आपको क्या करना पड़ता है, यहाँ पर आपको मल्टीपल टाइम मल्टीपल इमेज आपको ट्राई करनी पड़ती है कि जो आप वट एवर लुक्स बेस्ट। अब जैसे कि ये वाली इमेज हम ले लेते हैं, इसको भी अगेन क्या कर दें, क्लिपिंग मास्क, क्रॉप नहीं कर रहे, क्रॉप करने से हमारा टाइम भी ज़ाया हो रहा है और फिर इमेज भी बाद में यूज इतनी दोबारा लानी पड़ेगी, फोटोशॉप के ऊपर खोलनी पड़ेगी, स्टार्ट से प्रोसेस करना पड़ेगा। ये इमेज ज़्यादा बेहतर लग रही है उसके मुकाबले में, सही है। ये आपके ऊपर है, अगेन मैं वही बात कर रहा हूँ, जिस चीज़ ये सारी चीज़ें आपके ऊपर है, आप इमेज कैसी लगाना चाहते हैं, कैसा कैसा दिखाना चाहते हैं, आपका डिज़ाइन कैसा लगना चाहिए, ये आपके ऊपर है। ये हम इसको अलाइन कर देते हैं वर्टिकल, हमने ये किया नहीं था, अलाइन अलाइंड हो गया। अब इसके ऊपर कंटेंट विजिबल हो जाए, हम क्या करें, ऐसा क्या करे जाए कि कंटेंट भी विजिबल हो जाए, अगर मैं यहाँ कुछ कंटेंट लिखना चाहूँ तो। ग्रेडियंट डाल दें, मैं एक सिलेक्शन बना लेता हूँ, फिर अगेन क्या करना है मुझे, न्यू लेयर लेनी है, ग्रेडियंट में चले जाते हैं। ग्रेडियंट में कौन सा कलर सेलेक्ट कर रहे हैं, तो पहले मुझे ब्लैक को ऊपर करना पड़ेगा और वन साइडेड ग्रेडियंट देना पड़ेगा, सही है। यहाँ से मैं इसको इतना करता हूँ, ये रेडियल सेलेक्ट हुआ है इसलिए नहीं आया, हमें लीनियर चाहिए होगा। जब तक आपका सेट नहीं आया, आपको जहाँ तक बेहतरीन लगे आप वो कर सकते हो, सही है। कंट्रोल डी करके मैं थोड़ा सा इसको और बढ़ाना चाह रहा हूँ, जो आपके बेहतर लगे, जहां तक आपको लगे आप वहां तक करो। और अगेन इसको क्या कर दोगे आप, क्लिपिंग मास्क, ताकि वो नीचे से अगर कोई चीज़ बाहर निकली हुई थी वो चली जाए। अब आपके ऊपर ये थोड़े से ना
वहां पे एक्चुअल में आपको ज्यादा प्रोजेक्टर पे ज्यादा डार्क दिख रहा है, लेकिन ये एक्चुअल में इतना ज्यादा डार्क है नहीं। सो अब यहाँ पे हम टेक्स्ट ले लेते हैं। टेक्स्ट का कलर जो है हम पे कर देते हैं व्हाइट, फॉन्ट हमारा मॉन्सराट है, और हम शो कर देते हैं सेमी बोर्ड, और फॉन्ट का साइज कर देते हैं इंक्रीज। बेस्ट फैशन अपैरल सर्च कर लें, स्पेल अगर गलत है तो उसको हम सेट कर लेंगे। एंड अगेन हमें थोड़ा सा कंटेंट चाहिए तो हम कहाँ से लेंगे, ये हमारा डमी कंटेंट की वेबसाइट से। जैसे कि मैंने आपको आज को क्या बताया, कलर थीम की वेबसाइट के बारे में बताया, कहाँ से अपना कलर थीम जनरेट कर सकते हैं। दूसरी हमने क्या पढ़ी, आइकन के बारे में पढ़ा, कहाँ से हम आइकन्स ले सकते हैं। तीसरी क्या चीज़ है, तीसरी हमारे पास स्टॉक फोटोज थी जो हम ले सकते हैं फ्री के अंदर। और चौथा जो अभी 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 डिस्कवर किया वो है हमारा, जो हमने पहले भी पढ़ चुके हैं इसके बारे में, ये है हमारा डमी टैक्स, जिसको भी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, और ये हम यहाँ लगा देते हैं इधर। सही है, मैंने पेस्ट कर दिया। फॉन्ट साइज जो है मैं इसका छोटा कर देता हूँ, शुड बी अराउंड समथिंग 20 और 22, दैट्स गुड। बोल्ड में नहीं रखना चाहूंगा क्योंकि ये पैराग्राफ टैक्स है, तो नॉर्मल में जाएगा, सेंट्रल लाइन होगा, और इसकी जो लाइन हाइट है वो बढ़ेगी। ऑल्ट दबा के अप्स एंड डाउन एरो प्रेस करेंगे तो लाइन हाइट जो है एडजस्ट होती रहेगी। तो अब ऑल्ट प्रेस करके रखना है आपने, और देखें अप्स एंड डाउन में वो एडजस्ट हो रही है, या फिर आप वहीं से जिस तरीके से मैंने समझाया था यहाँ जाके इसको आप कर सकते हैं। ये मेरा ये मेरे टेक्स्ट पर, लेकिन मुझे ऐसा फील आ रहा है कि ये जो हेडिंग है ना, ये और ज्यादा प्रॉम्प्ट होनी चाहिए कस्टमर को रीड के लिए। तो मैं इसको क्या करूंगा, मैं इसको ज्यादा बड़ा करूंगा। बिग इनफ नहीं, मुझे अभी भी नहीं लगा कि ये बिग है। ये कैसे आपको पता चलेगा कि यार ये बिग हो गई, अच्छी लग रही है, आपको कैसे पता चलेगा, मुझे कोई बता सकता है? अब अच्छी लग रही है, ये लग रही है, नहीं लग रही है अब अच्छी? फॉन्ट थोड़ा सा हल्का लग रहा है, फॉन्ट थोड़ा सा हम और बोल्ड कर देते हैं, और इसको हम कर देते हैं अपर केस। अपर केस नहीं करते तो हम इसको उस थोड़ा और बोल्ड कर देते हैं, ब्लैक में ले जाते हैं। कैसा लग रहा है, ज़्यादा हैवी हो गया, एक्स्ट्रा बोल्ड में ले जाते हैं। नहीं, लेकिन हमें क्या हुआ, पता चल गया कि हमारा जो बोल्ड वाला फॉन्ट था, दैट्स इनफ, ये डिजाइन के हिसाब से बेहतर है। क्या आपको अब ये अच्छा लग रहा है या पहले अच्छा लग रहा था? क्यों अच्छा लग रहा है, क्योंकि आपने हम इसमें सेटिस्फाई जब तक नहीं हुए, जब तक, अब जैसे कि मुझे ना सेटिस्फाई होने के बाद ना इस लाइन हाइट्स में थोड़ा डाउट है, तो मैं इसको थोड़ा इंक्रीज करना चाहता हूँ। ये मैंने इंक्रीज कर दी लाइन हाइट भी दोबारा से, अब एक प्रॉपर एक डिजाइन का लुक आ रहा है इसमें। सही है, अब हमें क्या चीज की क्या चीज मिसिंग है, इधर होना चाहिए इस हीरो एरिया में, क्या चीज मिसिंग है इसमें, बटन्स मिसिंग है कि नहीं? आप यहां तक तो लेकर आ गए, आगे भी तो लेके जाना है कि शॉप कर लो या एक्सप्लोर कर लें, ये यूजर को आगे कैसे लेके जाएंगे। तो आप यहाँ पे आप बनाएंगे बटन्स, ये स्लाइडर बना रहे, स्लाइडर डालना हो, स्लाइडर आप सिर्फ दिखा सकते हैं, बनाना आपको पड़ेगा HTML के अंदर। जैसे कि मैंने यहाँ से ये कलर ले लिया, और मैं इसको चेंज करना चाहता, स्ट्रोक में इसका 0 कर देता हूँ क्योंकि मुझे इसका बॉर्डर नहीं चाहिए, और मैं यहाँ से इसको कलर चेंज करके जो मेरा ऊपर कलर है वो मैं लेकर आ जाता हूँ इसका। देन अगेन अगर मुझे राउंडेड शेप देना है, मैं जस्ट रैंडम नंबर डालता हूँ 50, और ये ऑटोमेटिकली पिक कर लेगा कि कितना इसमें गुंजाइश है। और मैं यहाँ से अल्टर शिफ्ट से प्रेस करता हूँ तो ये बटन जो है बड़ा होता जाएगा।
तो कोशिश करें जो बटन की हाइट है ना वो रखें आप मैक्सिमम 40 45 समथिंग, क्योंकि उसके बाद ना बटन जो है वो बुरा लगता है। फिफ्टी तक भी अगर आप रखें तो सही है, लेकिन जितनी ज़्यादा हाइट होती है ना बटन की उतना ज़्यादा बटन अच्छा नहीं लगता। अब जब मैंने इसको बटन के थोड़ा साइज़ बड़ा किया ना तो यहाँ पे ना इसके अंदर गुंजाइश यकीनन आ गई होगी थोड़ा सा चेंज करने की। देखें सर्कल करने के लिए वो 35.5 पे चले गया। अब मैं यहाँ डाल देता हूँ उसका कुछ शॉप नाव का बटन डाल देते हैं, शॉप शॉप नाव। फॉन्ट हमारा रेगुलर है, बिल्कुल सही है। इन दोनों को हम अलाइंड कर देते हैं, सही है। शॉप नाव के हिसाब से मेरा बटन बड़ा है, क्योंकि शॉप नाव छोटा हो रहा है, या तो मैं बटन छोटा करूं। जी प्रेस का अभी सिर्फ हम डिज़ाइन कर रहे हैं, जब हम डेवलप करेंगे तो जब आप कहना चाह रहे हो कि बटन पे प्रेस करेगा वो उस पेज पे कैसे जाएगा, यही आपका क्वेश्चन है, वो हमारा होगा डेवलपमेंट में। ये क्या चीज़ है, ये डिज़ाइन है, ये हमारा ये स्ट्रक्चर है कि किस तरीके की हमारी वेबसाइट दिखेगी जब हम इसको डेवलप करेंगे। जैसे कि डाउनलोड के बटन पे हमने क्लिक किया, इमेज डाउनलोड हो गई। फिर जब हम इसको डेवलप करने जाएंगे एचटीएमएल में तो इस बटन को हम फंक्शनल बनाएंगे, जैसे हम इस पर क्लिक करें तो कोई ना कोई एक्टिविटी परफॉर्म हो जाए। क्लियर हुआ? अब मुझे शॉप नाउ का बटन थोड़ा सा बड़ा लग रहा है तो मैं इसको छोटा कर देता हूँ। ओके फिर अगेन मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको अलाइन करना पड़ेगा। हो गया अलाइन बटन मेरा। फिर अगेन मेरे को दोबारा इसको ये बड़ा लग रहा है, ये आपको जब तक बड़ा लगता रहेगा आप उसको सेट करते रहोगे, क्योंकि स्टिल हम डिज़ाइन के प्रोसेस में तो हम इसको क्या देखना चाह रहे हैं, ये हर पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा लगे, क्योंकि कस्टमर्स को जो हम सेंड करते हैं तो ये डिज़ाइन सेंड करते हैं। इसे हम कहते हैं मॉकअप, या आप कह लें डिज़ाइन, जो सॉरी मॉकअप कह लें या फिर इसको आप कह लें होम पेज डिज़ाइन। वैसे ज़्यादातर क्लाइंट की रेफर जो होता है, क्लाइंट की रेफर टर्म जो होती है कि मॉकअप मुझे दे दिया जाए। मॉकअप का मतलब ये होता है कि वो देखना चाहता है कि आपने कितना अच्छा काम किया, आप कितना अच्छा कर सकते थे। पहले हम उसको डिज़ाइन करके देते हैं ताकि अगरचे उसकी कोई चेंजेस रिक्वायर्ड हैं तो वो चेंजेस हमसे डिज़ाइन में करा ले, ताकि डेवलपमेंट पॉइंट ऑफ व्यू में हमें पूरा स्ट्रक्चर दोबारा से हिलाना नहीं पड़े। उसकी वजह ये होती है जब हम इस पे डिज़ाइन कर लेते हैं तो उसके डिज़ाइन के मुताबिक हम डेटाबेस सेट करते हैं, अपने कोडिंग के फ्रेमवर्क्स को सेट करते हैं, सारी चीज़ें सेट करते हैं। लेकिन अगर वो चेंजेस डेवलपमेंट में लेकर आएगा क्लाइंट, इतना तो समझ में आता है कि वो कह रहे फैशन अपेरल्स को कर दो बेस्ट फैशन या कुछ और नाम कर दे, कॉन्टेंट तो समझ में आता है, लेकिन वो इसको कहे कि यार इसके हेडिंग को इस तरीके से दूसरे तरीके से डिस्प्ले कर दो, या फिर वो कह दे कि आपने स्लाइडर में एक इमेज डिस्प्ले की है, इसकी चार इसको चार करो वन टाइम में, वन इन रो फोर इन रो करो डिस्प्ले। तो आपको फिर क्या करना पड़ेगा, फिर रीडेवलप करना पड़ेगा क्या, पूरा का पूरा स्लाइडर। जैसे कि अभी कोई वेबसाइट में खोलूँ, मैंने इस क्लाइंट को ये मैंने किसका भी खुल जाएगा, मैं आपको दिखाता हूँ इसका और आपको क्लियर करता हूँ आपका इस हवाले से कॉन्सेप्ट के क्यों हम डिज़ाइन देते हैं क्लाइंट को ज़्यादातर मोस्ट प्रॉब्लमली। ये अभी मैंने उसको डेवलप वर्जन दिया है, सो अभी मेरे पास क्लाइंट ये कहे कि मुझे सिंपलीफाइंग गिफ्ट कार्ड को आप कह दो कि बेस्ट गिफ्ट कार्ड्स, सो ये मैं चेंज कर सकता हूँ ईजिली। लेकिन वो मुझसे ये कहे कि अगर आप एक काम करो, ये जो दो इमेजेज आ रही है ना इनको चार शो कराओ। अब मुझे क्या होगा, अब मुझे पूरा स्ट्रक्चर चेंज करना पड़ेगा। जैसे कि आप देखो पीछे एनिमेशन हो रही है हल्की सी, जो डॉट्स हैं गैलेक्सी के डॉट्स वो चेंज हो रहे हैं, सही है। वो बोले कि मुझे ये एनिमेशन नहीं चाहिए, मुझे चेंज करना है, तो फिर वो क्या पूरा स्ट्रक्चर दोबारा से बनाना होगा। जैसे कि अब ये जो आपकी ब्लू बार है, आप कहीं पे भी क्लिक करके देखो कलर चेंज हो रहा है इसका, सही है। ये अगर वो बोले कि मुझे ये चीज़ नहीं चाहिए तो अब मुझे क्या है, इसको दोबारा से रिस्ट्रक्चर करना पड़ेगा। क्लियर हो रही है चीज़? तो इसलिए हम डिज़ाइन, ये मैंने पहले उसको डिज़ाइन दिया, उसमें मेरा डिज़ाइन मेरा डन है, फिर मैंने इसको डेवलप कर दिया जस्ट इन केस। ये मेरे फोर बॉक्सेस आ रहे हैं, वो कहे मुझे फोर बॉक्सेस नहीं चाहिए, मुझे सेक्शंस चाहिए लिस्ट व्यू में। फिर क्या करना पड़ेगा,
दोबारा से डेवलप करना पड़ेगा, डबल मेहनत होगी डिजाइन की भी और डेवलपमेंट की भी। सो दैट इज वाई कि हम उसको पहले डिजाइन अप्रूव करवाते हैं। क्लियर है? हाँ, स्लाइडर में डिजाइन के अंदर आप मल्टीपल इमेजेस दिखा सकते हो। जस्ट फॉर एग्जाम्पल कि ये जो स्लाइडर है ये मेरा स्लाइडर है, यानी कि मेरी फर्स्ट इमेज ये है, सेकंड इमेज ये है। ऑटोमेटिक जब हम क्लिक करेंगे राइट साइड पे तो चेंज होकर याली इमेज आ जाएगी। ये स्लाइडर बनाना पड़ेगा HTML पे। यहाँ पे हमने दिखा दिया डिजाइनर को, भाई ये दो इमेजेस हमने रखी हैं आपके लिए, फर्स्ट पे आप ये शो करना, दूसरी स्लाइड के ऊपर आप ये वाली शो करना। ये हमने डिजाइनर को बता दिया कि दो स्लाइड्स बना के दे देना आप, ये डिजाइनर ने ये हमें बता दिया। अब जब हम डेवलपमेंट मोड पे जाएंगे तो इसकी HTML ऐसे करेंगे कि पहले जब हमारी वेबसाइट खुले तो हमारे पास ये वाली वेबसाइट शो, ये वाला इमेज शो, और थोड़ी देर बाद यहाँ पे एरोज आ जाएं, जैसे अभी एरोज भी हम लगाते हैं यहाँ पे, तो जब हम उस पर हम क्लिक करें या ऑटोमेटिक एक सेट टाइम आउट के थ्रू दूसरी इमेज आ जाए। क्लियर हो गया स्लाइडर का? अब जैसे कि गो बैक एंड यहाँ पे हम आइकन डाउनलोड कर लेते हैं हमने से। राइट एरो सर्च किया है, बहुत सारे कहते 31,201 आइकॉन्स हैं इसके अंदर ऑलरेडी। अब आपको जो बेहतर लग रहा है आपके स्लाइडर के लिए वो आप इसमें से ले लें। आई थिंक दैट इज द बेस्ट वन। आइकन्स पता है कैसे अच्छे लगते हैं? आइकन्स जितनी पतली लाइन के होंगे ना, जितने पतली लाइन के होंगे ज्यादा अच्छे आइकॉन्स होते हैं। क्लियर हुई? अब जैसे यहाँ पे सेम ही आइकॉन ये वाला भी था, इन दोनों में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन ये वाली जो है थोड़ी सी लाइन जो है इसकी थिन है, मैंने तो इसलिए थिन वाला डाउनलोड कर लिया। ओके, अब मैं इसको यहाँ ले जाता हूँ, ये यहाँ आ गया, गलत आ गया, इस लेयर को सबसे टॉप पे लेके जाना है। ग्रुप में चली गई, ग्रुप से बाहर निकालें और ग्रुप से ऊपर रखें। आ गई ऊपर, छोटा कर लिया आइकॉन को मैंने 34 पिक्सल, और मैं इसको मूव करके इसको मैं मूव कर लेता हूँ यहाँ से। ये हमारा मूव होके आ गया राइट पर। अब आप स्टिल क्वेश्चन ये है कि नजर नहीं आ रहा, क्यों? अब क्या करना चाहिए नजर नजर आ जाए? कलर चेंज कर दें, कौन सा कलर कर दें? व्हाइट नजर आ जाएगा। व्हाइट हो गया, आ गया एरो। एरो सेंटर्ड कैसे होगा? इस वाले एरो को लिया और ये हमारी मेन जो लेयर थी स्लाइडर की उसको लेके सेंटर कर दिया, हो गया सेंटर। अब इसी एरो की डुप्लीकेट लेयर, सॉरी इसको डुप्लीकेट बना लो लेयर को। क्यों बनाइए डुप्लीकेट? छोटा हो गया आइकॉन शायद, इस वजह से नहीं आ रहा। ये मैं यहाँ ले आया इसको, सही है, रोटेट करते रहेंगे, रोटेट हो जाएगा। हो गया रोटेट, इन दोनों को मैं छोटा भी कर लेता हूँ ताकि छोटे हो जाए। वो ग्रिप ना होने की वजह से मेरे को अलग अलग इसको छोटा करना पड़ रहा है। अगर आपके पास ग्रिप है आप इजीली इनको छोटा कर सकते हैं, जैसे कि लाइक दिस वन। पहले आप इसको कर लें समथिंग 44, फिर आप यहाँ आ जाए, इस वाले को कर लेते हैं 44, 40 हो गया, सही है। अब आप इसको यहाँ सेट कर दे, ये मैंने सेट कर दिया इसको यहाँ पे, और ये थोड़ा सा राइट साइड वाला ना थोड़ा सा दूर है बॉडी से, अब करीब हो गया, ऑलमोस्ट अब बराबर है, दोनों साइड है बराबर। इन दोनों को ले लें और अपने जो मेन लेयर थी उसको लेकर आप क्या कर दें, अलाइन कर दें। तो अब आपको क्लियर हो गया स्लाइडर का। अब ये यानी कि हमने डिजाइन डेवलपर को ये भी दिखा दिया कि इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो स्लाइड हमारी चेंज होगी।
क्लियर है यहां तक? अब आगे का आपको पता है क्या करना है, एक सेक्शन बनाना है, ये भी बनाएंगे और सेक्शन को भी बनाएंगे, और उसके आगे हमारे बॉक्सेस बनेंगे और अपेरल्स के हम जो प्रोडक्ट है उसको ही बनाते जाएंगे। क्लियर है? कोई क्वेश्चन इसमें अब तक नहीं है? चले फिर इस पर प्रैक्टिस करें आप लोग।